शांति। आज 24 सितंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली की महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि भगवान तो गुप्त है, वह समझते हैं शायद इस दादा ने भगवानुवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। बाबा कहते, यह वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान क्या कहते हैं? यह भगवानुवाच किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं। भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। यह कौन बैठा है, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर, कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेज भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो, नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। बाबा कहते, बच्चे अच्छी रीति समझते हो कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, न कि कृष्ण। राधे कृष्ण तो अलग अलग राशि के बच्चे हैं, उनकी आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है, इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि यह ब्रह्मा भी नंबर वन भगत था, पिछाड़ी में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की एक ही बात है, कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। बाप कहते हैं, बच्चों तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो। यह है कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी ले जाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, यहाँ कोई में सर्वगुण है नहीं। मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने, बनना ही योग बल से, बाहुबल ही हिंसक लड़ाई जो तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अब तो होती है बॉम्ब्स से। खुद कहते हैं, हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे, फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों यह पाठशाला है, मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था, वह अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बेघर बना है। भारत में ही उनका राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना।
कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? भगवान तो निराकार है, वह है ही एक रचयिता, बाकी सब ही रचना। तब तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे, तो फिर क्रिमिनल एसॉल्ट कैसे हो? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो भविष्य के लिए, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए हैं, पावन बनाने आओ, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम सब आत्माएं अब वापिस वानप्रस्थ में जा सकती हो, इसलिए वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता न सके, यह ज्ञान है ही एक बाप के पास, वही पतित पावन निराकार हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है, शरीर बिगर आत्मा कैसे बोल सकेगी? भगवान उवाच हैं कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े, मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावन हार होने कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं, यह भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ, ऐसा कभी कोई पढ़ाते नहीं है। यह है पावन बनने की बात, यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था, स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्णपुरी, इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से भक्ति आपे ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति न करो, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान दे स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अब नहीं है, फिर से वह भी राजयोग द्वारा बन रहे हैं। तुमको भी पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। हेविन की स्थापना करने वाला है, हेविनली गॉड फादर, वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वह करेगा तब जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग त्रेता में नहीं आते, कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। उन्होंने कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है, तो भी चार युग हैं, पांचवा है यह संगम युग। अच्छा, फिर तो पांच अवतार मानो, परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? यह सभी है शास्त्रों की बातें। धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया है, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं, भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य भारत, उसमें भी भारत का अक्षर आता है। बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़े ही भक्ति की है, द्वापर से की है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे, जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं।
तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में, पति दुनिया में पतितों को पावन बनाने, भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितनी क्लियर बात है। इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति छूट गई, अनायास ही तो छोड़ा। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डिनास्टी चलती हैं। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। 8 पीढ़ी उनकी चलती हैं। उस समय तो दूसरी राजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है, ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है, स्वर्ग अब यहाँ है क्या। परंतु समझते नहीं है, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है, सुख दुख सब ईश्वर देता है, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, बाप से बच्चे कब दुख मांगते हैं क्या। बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ भी नहीं मांगो, अभी यह प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है, फिर तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा। इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके, बच्चा बड़ा हो तब तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो विनाश विनाश करते रहते हैं। कहानी है ना, शेर आया आखिर तो आया और खा गया। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, यह तो होता ही रहता है, लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है, शिव बाबा कालों का काल आया हुआ है, जो सभी आत्माओं को वापिस ले जाएगा, तो शरीर भी तो ज़रूर छोड़ना पड़े। इसलिए बाबा कहते हैं योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापिस ले जाएंगे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं, कितना सहज समझाते हैं, बुद्धि में बैठता भी है, फिर गुम हो जाता है। किसको भी भक्ति छुड़ानी नहीं है, बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल, फिर उसी साधारण तन में आया हूँ, कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ, यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है, और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा है। बाहर वालों के पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं, उन बिचारों को तो पता नहीं है यह तो रिटर्न हो रहा है। बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पिछाड़ी में हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। भंबोर को आग लग जाती फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं
बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा नहीं करते तो वह कहते हैं कि यह तो नास्तिक बन गया है। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो, थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो। एक तो होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा कर दिखाओ तो वह खुश हो जाएंगे। यह कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भले जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है। वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई न कोई को तीर लग जाएगा। युक्ति से चलना है। बाप का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। बच्चों, ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। कहते हैं कि मामे कम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, अर्थात बैकुंठ की बादशाही लेवे, श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी न हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा बच्चे कहती है कि हम शादी करें तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी ही पड़ेगी क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते ही बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, लौकिक से युक्ति युक्त चलना है। दूसरी पॉइंट है, इस समय अंतिम जन्म में भी यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। आज का वरदान है पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले। सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। विश्लेषण है, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारने अकारने भी कोई टच नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।